चीज पाकिस्तानी से वोट का हक ले लिया, ठीक है, तो आप क्यों आए इस फोरम में? अरे पढ़े लिखे लोग हैं या आपके गांव के अनपढ़ लोग नहीं है, और हमें पता है कि पाकिस्तान के गांव में तालीम क्यों नहीं दी जाती, ताकि आपके अमीर फैमिली के लोग यहां आके पढ़ के वहां जाके हुकूमत कर दे, और फिर हमें आके सर आपने कहा कि बॉस कौन है, सो बॉस एवरीबॉडी नोज इज आर्मी इज अ बॉस। तीन साल से आप लोग कह रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी सिलेक्टेड है, तो अब आप कैसे सिलेक्टेड गवर्नमेंट में शामिल हो गए? व्हाई उसने ये कह रहे हैं कि सिलेक्टेड पोजीशन ना। थैंक यू कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान की पहली कानून साज असेंबली में इस बदकिस्मत कौम को खबरदार किया था करप्शन से और नेपोटिज्म से। सो नाउ वी हैव नवाज शरीफ, शाहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, वेयर आर यू गोइंग? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज जमील आजम फारूकी एंड आई एम अन अपना मेंबर। मैं एक बात से इस बात से शुरू करूंगा कि आप जो हैं, आपकी हुकूमत पहले भी रही है, सिर्फ तीन साल और तीस साल का मुकाबला नहीं है। व्हाट आई वुड लाइक टू से बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन दैट तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफला क्यों रुका? मुझे रह जहनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल ये है कि जिस पार्टी में खुद जमहूरियत ना हो, आप जो फॉर्चून 500 पार्टी यहां की कंपनी छोड़ के फॉर्चून पाकिस्तान में फॉर्चून बनाने चले गए थे, उसमें वहां आपने जिस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, अगर आप क्यों नहीं सदर बन सकते, क्यों नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाजी आएंगी, क्यों शहबाज के साथ हमजा शहबाजी आएंगे? बात सुन लो मेरी बात, ठीक है, आज जहां खड़े हो मेरे फल हवा खड़ा हुआ है कि आप जिस, और मैं ये होश से भी कह रहा हूं कि जब आप बात करते हैं कि इमोशन को बाहर रखें, तो इमोशन बाहर रख के आदमी सिर्फ न्यूट्रल होता है। मैं न्यूट्रल नहीं हूं, और जब इस मुल्क के साथ लूट खसूट होगी तो फिर जवाब भी उसी तरह का आएगा, इसलिए कि हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, कर्म करोगे कर्म करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे।